चेन्नई में भारी बारिश के चलते यहां के हालात खराब हो चुके हैं। एनडीआरएफ और सेना ने राहत और बचाव कार्य का काम संभाल रखा है, बचाव में जुटे हुए हैं, लेकिन चेन्नई एयरपोर्ट को रनवे पर पानी भरने के चलते पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर 700 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। निचले इलाकों में तो और बुरा हाल है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव में जुट गई हैं। बारिश से अब तक 188 लोगों की मौत हो चुकी है। पानी भरने के चलते एयरपोर्ट को पूरे दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कई अस्पतालों में पानी घुसने से हालात और बिगड़ गए हैं। अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं पर बारिश का बुरा असर हुआ है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने 4 दिन और बारिश आने की भविष्यवाणी की है। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर रेलवे ब्रिज के पास पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और एहतियात के तौर पर रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है और कुछ का रूट बदल दिया गया है। चेन्नई सेंट्रल साईनगर शिरडी एक्सप्रेस और काचेगुड़ा चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। तमिलनाडु में हो रही बारिश और तबाही के कारण पीएम मोदी एक आपात बैठक कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू मौजूद थे और तमिलनाडु को हर संभव मदद करने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि चेन्नई में बारिश ने हालात बिगाड़ रखे हैं। यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से पानी में गाड़ियां भी डूब चुकी हैं, नदियां उफान पर हैं, ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, कुछ रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है, हवाई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं, एयरपोर्ट को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को आने जाने में, रोजमर्रा के कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक।